हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ करण। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स राइट विद करण। आज 17 जून है और मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी ये वीडियो शूट करने का रीज़न ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, एक एक दो दो करके तीन तीन करके कम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो शूट किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल को, आज से 2 महीने पहले, मेरा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं अपनी पहली सोलो बाइक ट्रिप पर गया था। तो मेरा पूरा दिन तो बहुत अच्छे से निकल गया था, बट रात का टाइम था, अंधेरा था। तो अंधेरे में मेरी गाय भैंस से टक्कर हो गई थी। बीच रोड पे आ गई थी गाय भैंस रोड साइड क्रॉस करके एकदम से, तो ब्रेक लगते लगते मैं बिड़ी गया था उनसे। फिर भी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी बाइक लेफ्ट साइड से डैमेज हो गई थी और जो मेरा पैर है, लेफ्ट पैर है, उसमें फ्रैक्चर हो गया था 2 इंच जितना। 2 महीने हो गए हैं, जैसे आप 17 जून है, 14 अप्रैल को मेरे लगी थी, तो 2 महीने में से करीब करीब 30 या 35 दिन मेरा पैर प्लास्टर में रहा था, प्लास्टर चढ़ गया था मुझे। तो मैं बाइक नहीं चला पाया, कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कहीं नहीं जा पाया, और अभी भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। जैसे मेरा राइट पैर नॉर्मल है, वैसा मेरा लेफ्ट पैर बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास ब्लॉग्स रेडी है अपलोड करने के लिए बहुत सारे, तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो, थोड़े टाइम का वेट कर लो, ब्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि 14 अप्रैल को मैंने पूरा दिन जहाँ घूम लिया था, पूरे दिन के 3 जगह के ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। बस मेरे को उनको रेडी करना है, फाइनल टच देना है। बस ये सोच रहा हूँ कि कोई ब्लॉग्स मैंने 15 मिनट का, 18 मिनट का बना लिया, तो मैं सोच रहा हूँ उनको छोटा कर दूँ, 6, 7, 8 मिनट का कर दूँ, ताकि आप सबको देखने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अभी आप आगे देखिए कि जब वो जो है कंपाउंडर जो मेरा प्लास्टर खोल रहा था, तो वो सीन है, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, और जो मेरी बाइक टूट गई थी वो रिकॉर्ड करी थी, तो वो आप देखो अभी आगे वीडियो में। बट जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय क्या है, मेरा एक्शन कैमरा हेलमेट पे नहीं था, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, वो बैग में रखा हुआ था मेरे, और पावर बैंक से चार्ज हो रहा था वो। तो एक्सीडेंट का तो वीडियो नहीं है, बट हाँ, बाइक डैमेज हुई थी वो आपको दिख जाएगा, प्लास्टर मेरे पैर पे चढ़ा हुआ था वो दिख जाएगा, और जो डॉक्टर प्लास्टर खोल रहा था वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल अनसब्सक्राइब मत करना, हो सके तो थोड़ा टाइम का वेट कर लो, ब्लॉग्स आने वाले हैं, पैर ठीक हो जाएगा, वैसे ही ब्लॉगिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखो, जो बाइक का फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक का कवर वो टूट गया है पूरा, लेफ्ट साइड की फेयरिंग डैमेज हो गई है, स्टिकर सब खराब हो गए, इंडिकेटर टूट गया है, डाल लो कैसे डाल लो उसमें डाल कैसे डाल लो।
अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट। ठीक है, उसी गर्म पट्टी। तो आपने अभी शॉर्ट्स देखे कि मेरी बाइक कितनी टूटी और मेरे पैर का प्लास्टर क्या क्या हाल हो गया था। मतलब अभी भी मेरा पैर नॉर्मल नहीं हुआ है, मैं चल तो रहा हूँ बट जो बाइक का गियर शिफ्ट है, गियर्स मेरे से चेंज नहीं हो रहे हैं, मेरे पंजे से जोर नहीं लग रहा है, पंजे पे प्रेशर नहीं दे पा रहा मैं। तो अभी मैं ऑफिस आता जाता हूँ, वो भी ओला उबर करके आता जाता हूँ मोस्टली, या फिर पापा छुट्टी पे हो जाए तो पापा की स्कूटी ले जाता हूँ, क्योंकि स्कूटी पे पैर आगे रहता है तो उसमें गियर चेंजिंग का कोई काम नहीं है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो शूट किया। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, हो सके तो वीडियो पूरा देखिए प्लीज़, और ऐसे प्यार बनाए रखो प्लीज़। बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल अनसब्सक्राइब मत करना, इसलिए वीडियो शूट किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट बाइक ट्रिप पे, नहीं नहीं जो पुरानी बाइक ट्रिप थी मेरी, फर्स्ट सोलो बाइक ट्रिप थी, उसके ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। वो मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा थोड़े दिनों में, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा, थोड़ा फाइनल टच लेना है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरे साथ लेट्स राइड विद करण पे, करण गुप्ता के साथ। बाय बाय।